जिंदगी में दो तरह के नॉलेज आपको बचाएंगे। पहला वो जिस भी सेक्टर में हैं आप, चाहे जहां भी काम करें, तो वहां के कुछ फंडामेंटल रूल्स होंगे। वो रूल्स आपको बताए जाएंगे, आपको डॉक्टर कैसे बनना है, इंजीनियर कैसे बनना है, LICM कैसे बनना है ना, एक टीचर कैसे बनना है। वो एक ट्रेनिंग होगी आपकी। वो ट्रेनिंग कितनी काम करती है हम लोगों पर? वो ट्रेनिंग काम करती है 10%। इसका योगदान सिर्फ 10% है। 90% क्या होगा? 90% आपको नॉलेज बचाएगा। इंटरनल नॉलेज, एक्सटर्नल नॉलेज, इन नॉलेज आपके पास कितना है, कितना ज्ञान है आपके पास और कितना अंदर से आप मजबूत हैं। देखिए, एक 10th में मैंने एक बुक पढ़ी थी, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। ठीक है, तो मन से आपको मजबूत रहना होगा। और जो सबसे बड़ी चीज है इसको समझने के लिए, आपको खुद को समझना होगा। और हम लोग कैसे होते हैं, अगर इसके अंदर जाएं तो हम इंसान हम लोग कैसे होते हैं। देखिए, हमें इज्जत चाहिए, राइट? सीनियर से इज्जत चाहिए, हमें अपने पति से इज्जत चाहिए, हमें अपने पत्नी से इज्जत चाहिए, हमें अपने सिस्टर से इज्जत चाहिए, और हमें तमाम उन लोगों से इज्जत चाहिए जो हमारे आसपास हैं और जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं, एक ह्यूमन होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, जिनसे हम आमना सामना करते हैं, हमेशा एक दूसरे से मिलते हैं, समझते हैं, चाहे वो हमारे सीनियर्स हों, जूनियर्स हों। तो इसका सबसे बड़ा फंडा क्या होना चाहिए, इसकी बहुत सारी चीज़ें चर्चा हो चुकी है। जो चर्चा मैं आपको बताना चाहूँगा उस चीज़ को समझिएगा और ये आपके बहुत काम आएगा। और ध्यान से इसके अंदर जाने की कोशिश करिएगा और जितना डेप्थ जाएंगे आपको वहीं पर मोती मिलेगा। मोती आपको गहराई में ही मिलेगा, ऊपर ऊपर आप सिर्फ निकलते चले जाएंगे। टाइम की हमेशा मर्यादा होती है, एक टाइम से ज़्यादा मैं भी आपको नहीं बता सकता, लेकिन चीज़ों को अगर समझने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक भाई हैं तो अपने छोटे भाई से क्या उम्मीद करेंगे, वो मेरी इस रिस्पेक्ट करें। अगर आप एक छोटे भाई हैं तो अपने बड़े भाई से क्या उम्मीद करेंगे, कि वो मुझे प्यार करें। अगर आप जूनियर हैं तो आप अपने सीनियर से क्या उम्मीद करेंगे, कि वो मुझे प्रेम से पेश आए, मुझे अच्छे तरीके से बताए सारी चीज़ें जो मैं समझना चाहता हूँ वो मुझे बताए। अगर आप एक सीनियर हैं तो अपने जूनियर से क्या उम्मीद करेंगे, कि वो मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरी हर बात को फॉलो करे, एडमायर करे। आप अगर एक पति हैं तो अपनी पत्नी से क्या उम्मीद करेंगे, कि मैं अगर थक हार के आऊँ तो मुझे अच्छे तरीके से इंटरटेन किया जाए, सारी चीज़ें किया जाए। अगर आप एक पत्नी हैं तो आप उस समय क्या महसूस करेंगे, कि मेरी भी इज्जत हो, रिस्पेक्ट हो। यानी कि आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी रूप में हो, ये हम सारे लोग एक प्ले कर रहे हैं, तो इस प्ले में आप किसी भी रूप में हो, उस रूप को समझने की कोशिश करिए और अपनी जगह उसको रख लीजिए। जब ये चीज आप समझने लगेंगे, धीरे धीरे समझने लगेंगे, तो आप धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगेंगे। आपके सारे संबंध, आपके सारे प्रोफेशन, क्योंकि हम इंसान एक दूसरे से ही इंटरेक्ट करते हैं, तो आपके सारे प्रोफेशन इसी चीजों से रिलेट करते हैं।